सोलन शहर में शांति गांव से पीजी कॉलेज रोड पर सड़क बैठ जाने से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां सड़क बैठी है वहां एक वाहन बड़ी मुश्किल से गुजर सकता है। अगर कोई नौसिखिया इस सड़क पर गलती से आ जाता है तो इस सड़क पर पड़े गड्ढे में गिरना लगभग तय माना जा रहा है। कई बार इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन अभी तक महीनों बीत जाने के बाद भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। सोलन शहर में शांति गांव से पीजी कॉलेज रोड पर सड़क बैठ जाने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जहां सड़क बैठी है वहां एक वाहन बड़ी मुश्किल से गुजर सकता है। अगर कोई नौसिखिया इस सड़क पर गलती से आ जाता है तो उसका इस सड़क में पड़े गड्ढे में गिरना लगभग तय है। कई बार इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन अभी तक महीनों बीत जाने के बाद भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। इलाका वासियों का कहना है कि वह सड़क की दुर्दशा के बारे में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। उन्होंने बताया कि सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि रोगियों को अस्पताल पहुंचाना कोई चुनौती से कम नहीं है। वहीं बच्चे भी इसी मार्ग से आते जाते हैं। सड़क में पड़े गड्ढों के कारण वे भी अक्सर चोटिल हो जाते हैं। इसलिए उनकी जिला प्रशासन से गुहार है कि वे इस सड़क की सुध लें और जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाएं ताकि लोग दुर्घटनाओं से बच सकें। शांति से और कॉलेज रोड जाता है जी, और इसमें परेशानी है। पूरा रोड के जो है हाल बहुत खस्ता है। इसमें बूढ़े बच्चे जो भी जाते हैं उनका भी रिस्क है और गाड़ियों का भी है। गाड़ी कई दफ़ा यहाँ लटक गई नीचे को। पिछली बरसातें जो हुई थी उसमें ये डंगे गिर गए थे इसके। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन के भी आए, यहाँ मौका भी देखा है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मांग तो हमारा ये है प्रशासन की इस रोड को पक्का किया जाए, डंगे इसमें प्रॉपर जो है वो लगाया जाए। और यहाँ पर बूढ़े सियाने बच्चे कई लुट कर जाते हैं, यहाँ गाड़ियाँ लुट कर जाती है और कई समस्या है इस रोड में। बीमार ले आना बड़ा मुश्किल है इस रोड पे। और मेरे मकान को भी खतरा है, एक साल हो गया कोई सुनवाई नहीं है। हम ये मांग रहे हैं भाई रोड ठीक होना चाहिए और मकान को भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए और बूढ़े बच्चे को सबको मतलब ये होना चाहिए ठीक ठाक, मतलब इसमें ये नुकसान नहीं होना चाहिए किसी को। ये शांति से कॉलेज तक का मामला है और पूरे रास्ते का यही है। एक साल हो चुका है इसको, ये पूरा डंगा गिरा हुआ और रास्ते में गड्ढे बन रहे हैं। कोई भी गाड़ी जा रही है, गाड़ी नीचे जा रही है, दो दो टायर इसके। ऑटो वालों को परेशानी हो रही, पेशेंट को परेशानी हो रही, आम जनता को परेशानी हो रही, जो पैदल चलने वाले बच्चे भी है वो भी गिर रहे हैं इस खड्डे से। हम यही चाह रहे हैं कि भी जल्दी से जल्दी काम हो जाए बरसात आने से पहले पहले। बरसात तो शुरू होने वाली है। अब हम चाह रहे हैं कि ये डंगा ही नहीं लगना चाहिए, पूरे रोड ठीक होने चाहिए और साथ में ग्रिल लगनी चाहिए कि स्कूल वाले बच्चे जा रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं, जब यहाँ से गाड़ियाँ जाती है तो बच्चा ग्रिल का तो सहारा ले सकता है ना। वो बच्चे आए हुए थे, कोई गाड़ी बोलते हम फर्स्ट टाइम आए ऊपर को, अब उनका इतना ध्यान नहीं था, हम खड़े थे, हमारे सामने गाड़ी नीचे गई, बच गए बेचारे। वो हर रोज पैदल जाने वाले बच्चे गिर जाते हैं यहाँ से, जैसे मोबाइल पर बात कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे कई बार हमने जैसे भाग रहे हुए गड्ढों में गिर जाते हैं यहाँ से। कंप्लेंट करी हमने प्रधान जी को भी बोला, हमारे वार्ड मेंबर ये जो है यहाँ पर आए हुए, इनसे भी शिकायत करी कि कुछ हम करें, सब लोग करेंगे, हम भी जितना भी पंचायत वाले भी करें और हमेशा मतलब करते रहे। ये नहीं कि एक बार बन गया रोड तो बीच बीच में रिपेयर होनी चाहिए ना। फिर प्रशासन से हमारी ये मांग होगी कि सबसे पहले यहाँ पर डंगे लगे जाए और जो ये गिरे हुए ना सड़क सारी रिपेयर की जाए बस, और साथ साथ में ग्रिल का भी काम होना चाहिए। रोड बन गया तो ग्रिल नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों वाला स्कूल वाले हैं, बड़े बूढ़े हैं सारे, रास्ता बहुत कंजस्टेड सा है। ये तो गाड़ी आती कम से कम ग्रिल पकड़ के तो जा सकते हैं ना सभी, रोड पक्का हो जाएगा। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।